नमस्कार, मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। चलिए एक नजर डालते हैं परदेश की आज की बड़ी और ताजा तरीन खबरों पर। शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम गहलोत एक महीने तक मुलाकात के सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं। दरअसल कोरोना संक्रमण से बचाव और जीवन रक्षा के दृष्टिगत ये निर्णय लिया गया है। चिकित्सकों की सलाह के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि वह आगामी एक महीने तक आमजन सहित अन्य सभी लोगों से मुलाकात नहीं करेंगे। अगर इस खबर को राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना का बहाना बनाकर कुछ लोगों से मिलना नहीं चाहते, क्योंकि ये कतई संभव नहीं है कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री एक महीने के अंतराल में किसी से मुलाकात ना करे। हो सकता है सीएम अशोक गहलोत इसके पीछे भी कोई राजनीतिक कार्ड खेल जाए। प्रदेश की दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो बहुचर्चित भंवरी देवी अपहरण और हत्या प्रकरण में सजा काट रहे आरोपी महिपाल मदेरणा की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है, जिसमें आरोपी महिपाल मदेरणा को सशर्त जमानत मिल गई है। आपको जानकारी दे दे, महिपाल मदेरणा इलाज के लिए जयपुर जा सकेंगे। अधिवक्ता प्रदीप चौधरी ने मदेरणा का पक्ष रखते हुए एससी एसटी कोर्ट से खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में अर्जी पेश की और मदेरणा को कैंसर होने के बाद इलाज के लिए जमानत मांगी। और अब बड़ी खबर आ रही है कि महिपाल मदेरणा को कोर्ट से जमानत मिल चुकी है, अब वह अपने इलाज के लिए जयपुर जा सकेंगे। राजस्थान की एक और बड़ी खबर की बात करें तो सरकारी स्कूलों की ड्रेस में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। और अब खबर यह भी आ रही है कि आखिरकार शिक्षा मंत्री द्वारा ड्रेस को लेकर आधिकारिक पुष्टि भी कर दी है, यानी कि सरकारी स्कूल का ड्रेस बदलना अब लगभग तय माना जा रहा है। सरकारी स्कूलों में नए सत्र से विद्यार्थी नई ड्रेस में नजर आ सकते हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री जी को नहीं पता कि ड्रेस बदलने से कुछ नहीं होगा। स्कूल में शिक्षा व्यवस्था में अगर वह सुधार करेंगे तो जरूर व्यवस्था में सुधार हो सकता है। राजस्थान के कोरोना मीटर पर नजर डालें तो पिछले 24 घंटों के दौरान 13 मौतें दर्ज की गई है और 1590 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। एक और बड़ी खबर की बात करें तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने मंगलवार को 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई आंशिक तौर पर शुरू करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि एसओपी जारी कर दिया है। 21 सितंबर से कक्षाओं में पढ़ाई शुरू हो जाएगी। मंत्रालय ने कहा है कि स्कूल में अपने यहां पढ़ाई शुरू करने का फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। आपको बता दें, इस दौरान क्लासेज अलग अलग टाइम स्लॉट में चलेगी और कोरोना के लक्षण वाले स्टूडेंट्स को एंट्री नहीं दी जाएगी। वहीं टीचर्स, स्टूडेंट और स्कूल के स्टाफ को 6 फीट की दूरी रखनी होगी। अंत में सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर आपको बड़ी अपडेट दे दे। ड्रग्स मामले में कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती को 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेज दिया है। एसीबी ने कोर्ट से रिया चक्रवर्ती के लिए 14 दिन की न्यायिक हिरासत मांगी थी, यानी अब 22 सितंबर तक रिया चक्रवर्ती को जेल में ही रहना पड़ेगा। इससे पहले रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स के मामले में एनसीबी ने गिरफ्तार किया था। तो यह थी प्रदेश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।